Students of grade 5. मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर एट अबाउट मैटर्स इन मिनरल्स आज चल के देखते हैं कि आज हमने उसके बारे में क्या डिस्कस करना है मैटर्स इन मटेरियल्स जो यूनिट है उसमें हमने 8.1 में सिर्फ अभी तक पढ़ा है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं एटम्स क्या होते हैं वॉट आर मॉलिक्यूल्स सो बेसिकली मैटर जो है वो कंसिस्ट किन चीजों को करता है पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे यूनिट जिनको मिलाकर कुछ बड़ा बनाया जाता है While atoms जो हैं वो आप पार्टिकल्स को मिलाने से बनाते हो मेकअप मोलिक्यूल राइट एटम्स में हमने डिस्कस किया था कि एटम्स का क्या होता है एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और फिर उसी एटम के न्यूक्लियस के बाहर लेकिन एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड टूगेदर दे मेकअप एन एटम

हम बात करेंगे वो क्या है उनकी क्या डिफरेंट डिस्टिंग क्वालिटीज होती हैं एंड वाई आर दे लाइक दैट राइट सो वे बिगनिंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड और गैस ठीक है तीन मेन फॉर्म्स होती हैं ऑब्वियसली एक दो और फॉर्म्स भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं लेकिन फॉर नाउ यू यूर ओनली बी लर्निंग अबाउट दीज थ्री क्योंकि ये सबसे डिस्टिंक्ट और सबसे मेन तीन फॉर्म्स हैं ऑफ मैटर स्टेट्स डिपेंड ऑन द मूवमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दैम

पार्टिकल्स की मूवमेंट और अलाइनमेंट पे बेस्ड होता है कि एक चीज जो है एक मैटर जो है वो सॉलिड होगा लिक्विड हो या गैस फॉर्म में होगा ठीक है सो व्हाट वी हैव इज कि बेसिकली सॉलिड लिक्विड और गैसेस इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स तो सेम होते हैं लेकिन उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और पार्टिकल्स की मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है आए चल के देखें कि ये तीनों जो है सॉलिड लिक्विड और गैस किस तरह डिफर करते हैं

क्योंकि पार्टिकल जिस तरह से अलाइन नहीं है उनके दरमियान थोड़ी बहुत जगह है वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर है और कोई उतनी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है जितना कि आप में देख रहे हो थर्डली अगर आप देखो गैसेज में क्या है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, a lot of ample space them, है ना उनके मूव अबाउट करने के लिए काफी ज्यादा जगह है उनके दरमियान सो दीज दीजा द्री मेजर डिफरेंसिस बिटवीन द थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर की उनके दरम्यान जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट बहुत मुख्तलि होती है अब हम एक एक को अगर पर्टिकुलरली डिस्कस करें तो आए पहले सोलिड को देखते हैं सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड जस्ट लाइक आई मेंशन कि उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं दे हैव नो स्पेस टू मूव अबाउट ठीक है no about, इसकी एग्जांपल हम इस तरह देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं और मैं मूव अराउंड करना चाहती हूँ मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है ठीक है मैं यहाँ से इधर और इधर से इधर क्यों हो रही हूँ क्योंकि मेरे इधर स्पेस है मूव करने के लिए एक सॉलिड में ऐसा नहीं है सॉलिड के पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल जुड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक है एंड इज नो रूम फॉर दैट पार्टिकल टू मूव अगर मेरे साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए होते ठीक है हम बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं मूव कर सकती थी इसी तरह एक सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल जैम पैक्ड होती हैं उनके पास स्पेस नहीं होती मूव करने की जिसकी वजह से दूसरा पॉइंट अगर आप देखो दे के नॉट मूव तो इट्स कॉमन सेंस की क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल जैम पैक्ट है टाइटली पैक टुगेदर है तो उस सॉलिड पार्टिकल के पास जगह ही नहीं है मूव करने की

सॉलिड है उसकी शेप नहीं तब्दील होती रिगार्डलेस टू वेयर यू पुट इट उसका कंटेनर क्या है उसका एनवायरमेंट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई चीज एक स्क्वेर बॉक्स में है तो वो स्क्वेयर बॉक्स में ही रहेगी कोई चीज ट्राइंगर है वो ट्राइंगर ही रहेगी तो द शेप विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड दूसरा अगर अब हम देखें लिक्विड लिक्विड को जब आप देखते हो पार्टिकल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड तो होता यह कि पार्टिकल्स उतने टाइटली पैक टुगेदर नहीं होते आप देख भी सकते हो कि सॉलिड के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं जबकि लिक्विड में वो थोड़े दूर दूर हैं ठीक है थीके? तो उतने टाइटली पैक टूगेदर नहीं होते कुछ स्पेस कुछ रूम उनके पास होता है मूव अराउंड करने के लिए दे कैन मूव ये नहीं है कि बहुत फ्रीली लेकिन जितनी जगह उनके दरमियान है उसमें वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं और इससे फिर क्या रिजल्ट निकलता है इससे रिजल्ट ये निकलता है कि शेप जो है वो तब्दील हो सकती है ठीक है लिक्विड जो है अगर आप मिल्क की एग्जाम्पल लो आप उसको एक जग में डालते हो तो वो जग की शेप का हो जाता है आप उसको किसी बॉक्स में डालते हो बॉक्स की शेप का हो जाता है और अगर आप उसको ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास की शेप का हो जाता है इस तरह जो मिल्क है क्योंकि वो एक लिक्विड है मिल्क हो गया पानी हो गया जूस हो गया देर ऑल लिक्विड वो क्या कर रहे हैं वो अपनी शेप को तब्दील कर रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जो आप उनको डालते हो तो पार्टिकल्स अपनी शेप को तब्दील कर लेते हैं अपनी मूवमेंट को चेंज करके ठीक है तो इस तरह से लिक्विड्स की शेप जो है वो चेंज हो सकती है तो सॉलिड्स में शेप जो है वो फिक्स्ड है जबकि लिक्विड में फिक्स नहीं है क्यों क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल की अरेंजमेंट फिक्स है जबकि लिक्विड में नहीं है ये आ गया इन दोनों के दरमियान एक वाजहे डिफरेंस वाज फर्क अब हम बात करते हैं कि गैसेस किस तरह से डिफरेंट है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो so इफ यू लुक विद विद मी गैस बिल्कुल मुख्तलिफ इस तरह है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर हैं और बिल्कुल फ्री टू मूव अराउंड हैं। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली पर जिससे कि लिक्विड में हमने देखा कि पार्टिकल्स मूव तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनके पास उतनी लिबर्टी उतना फ्रीडम नहीं है कि वो कहीं पर भी चले जाए अलबत्ता गैस में ऐसा नहीं है गैस क्या करती है गैस जहां भी जाना चाहे जैसे मूव करना चाहे पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एज लॉन्ग एज दे बिलोंग टू देर एवर दे वॉन्ट टू दे हैव ऑल द फ्रीडम क्यों क्योंकि उनके पार्टिकल्स अलाइन नहीं है साथ रेंज नहीं है उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एक दूसरे के साथ वो कम है निस्बतन सॉलिड और लिक्विड के तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो मूव अबाउट कर सकते हैं फीलिट लिक्विड एंड सॉलिड्स के नॉट फोर टू डू द सेम ठीक है सो दैट्स इट फॉर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर अब आगे चल के हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं वट वी हैव हेयर इज एन एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वॉटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है सॉलिड लिक्विड और गैस और इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम कह रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसेज में पार्टिकल्स का फर्क नहीं होता ये नहीं है कि सॉलिड में कोई और पार्टिकल्स हैं लिक्विड में कोई और पार्टिकल्स हैं एंड सो ऑन बल्कि इनमें फर्क सिर्फ ये है कि पार्टिकल्स बिल्कुल वहीं है उनकी अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ है तो अगर आप वाटर की एग्जाम्पल देखो वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड फॉर्म में भी लिक्विड फॉर्म में भी और गैश फॉर्म में भी ठीक है कैसे सॉलिड फॉर्म में जब वो बर्फ की सूरत में होता है आइस की सूरत में है, तो वाटर क्या है इट्स अ सॉलिड आइस अगर आप देखो वो सॉलिड होती है उसके अंदर पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है उसके बाद लिक्विड फॉर्म में वाटर जो पानी आप पीते हो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो किस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल्स के पास कुछ फ्रीडम है एक जगह से दूसरी जगह जाने की जिसकी वजह से वाटर की फॉर्म में लिक्विड की फॉर्म में वो थोड़ी बहुत अपनी शेप को तब्दील कर सकता है कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप को उसकी तरह एडजस्ट कर सकते हैं लास्टली गैशेस फॉर्म जो होता है स्टीम स्टीम कहते हैं भाप को अगर आपने कभी पानी को बॉइल होता देखा है पानी कम हो जाता है और ज्यादा वो जो है भाप बन के उड़ जाते हैं या चला जाते है उसकी क्या वजह है बिकॉज दैट वॉटर इज नाउ चेंज इन टैस फॉर्म ठीक है वो गैस में तब्दील होकर आपकी हवा में चला गया हवा में मिक्स हो गया और गैस में क्योंकि उसके जो पार्टिकल वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वॉटर बन के वो कहीं भी इधर उधर चला गया एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट यू विल नॉट बी एबल टू स्पेसिफाइड क्योंकि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है ठीक है तो एक ही चीज है वॉटर ही है अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो द वॉटर मॉलिक यूज एज टू ओ ने बट देयर अरेजमेंट दस सो वेन व्यूर टॉक अबाउट वाटर इट इज नोटिस के पानी जो है उसके अंदर के पार्टिकल्स नहीं चेंज हो रहे पानी किससे बनता है पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है ना हमने पिछले लेक्चर में भी इस बारे में बात की थी कि हाइड्रोजन के दो आइटम होते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक आइटम होता है और ऑक्सीजन के दो आइटम्स होते हैं इस तरह जो है आपका पानी फॉर्म होता है लेकिन पानी आइस की सूरत में हो स्टीम की सूरत में हो या लिक्विड सूरत में हो तीनों सूरतों में उसमें यही चीज है कि एच से ही वो बना है है ना? लेकिन हाउ एवर एच टू ओ की अलाइनमेंट किस तरह की है उससे फर्क पड़ता है कि पानी के स्टेट में होगा तो एक दफा फिर से हमने ये चीज कर ली कि जो भी आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर है अरेजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है उसके अंदर क्या है फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि वो किस तरह से अरेंज हुए हुए सॉलिड लिक्विड एंड गैस इसको हम यहाँ पर रैप अप करते हैं और साथ हम करते हैं इसके एक दो क्वेश्चन आपके इन योर नोटबुक के डिस्कस ताकि आप अच्छे तरीके उनको से उनको कॉपी पे अटेम्प्ट कर सको बिफोर यू प्रोसीड टू दैट क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं राइट अ नोट ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके लिए यू हैव टू डू अ अ बिट ऑफ रिसर्च आपने देखना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है व्हाट 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 ही 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 डज हैज हैज डन अचीव सो इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम

So that's what you have to write over here that we have repeatedly discussed in this lecture. in no, -no questions ko sahab, apni notebook, mein attempt karein. with that. I'll be leaving you here for you to join me in the next lecture, inshallah. Take care of yourselves until then. See you again soon.